जयपुर, शाम के समय। रावी ने खुद को आईने में देखा। आज उसने एक ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी थी। उसके गले में वाइट डायमंड नेकलेस था और उसके लंबे बाल एक सुंदर से जूड़े में बंधे हुए थे जिसमें एक लाल गुलाब का फूल लगा था। रावी इस समय इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि वो खुद से ही अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रावी ने पीछे मुड़कर देखा। अरण्य बिस्तर पर इधर उधर पलटने की कोशिश कर रहा था। रावी ने अरण्य को देखते हुए कहा, अरण्य बताओ मामा कैसी लग रही है? अरण्य ने शायद रावी की बात सुन ली थी और वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से रावी को देख रहा था। अरण्य के गुलाबी होंठ एक छोटी सी मुस्कान में मुड़े हुए थे और वो अपने दोनों हाथों से ताली बजा रहा था। रावी जल्दी से अरण्य के पास गई और उसने अरण्य को गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा तो मम्मा आज अच्छी लग रही है, पर आज मम्मा को तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, इसीलिए तुम सिमरन आंटी के साथ अच्छे से रहना। ये कहते हुए रावी अरण्य के बालों को सहला रही थी। रावी अरण्य से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। रावी ने देखा सामने दरवाजे पर सूरज खड़ा था। सूरज ने व्हाइट थ्री पीस सूट पहना था। उसके सूट में एक ब्लैक कलर की टाई लगी थी और वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। सूरज ने जब रावी को देखा तो कुछ पल के लिए उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। रावी ने सूरज को इस तरह दरवाजे पर खड़ा देखा और उसके पास आते हुए कहा, सूरज तुम्हें क्या हुआ है? रावी की आवाज़ से सूरज होश में आया और उसने इधर उधर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस देखने आया था कि तुम तैयार हुई कि नहीं। रावी ने गोल घूमते हुए कहा, देखो मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सूरज ने ना चाहते हुए भी दोबारा रावी की तरफ देखा और उसका दिल अचानक से तेज धड़कने लगा। सूरज ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल एक नागिन की तरह। यह सुनकर रावी ने घूर कर सूरज को देखा और उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम कभी मेरी ढंग से तारीफ नहीं कर सकते। ये कहते हुए रावी पैर पटक कर बाहर की तरफ चली गई। रावी के वहां से जाने के बाद सूरज ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, तुम बिल्कुल एक परी की तरह लग रही हो। ये कहते हुए सूरज मुस्कुरा रहा था। अरण्य को सिमरन को संभालने देने के बाद रावी और सूरज घर से बाहर आ गए। कार में बैठने के बाद रावी ने सूरज की तरफ देखा जो कार ड्राइव कर रहा था और कहा, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। सूरज, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। सूरज, तुम जानते हो ना मेरा बाहर निकलना कितना डेंजरस हो सकता है, फिर भी आज तुम जबरदस्ती मुझे बाहर ले जा रहे हो और ऊपर से मुझे कारण भी नहीं बता रहे हो। सूरज ने रावी की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? और वैसे भी अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर रावी ने हैरान होकर सूरज की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? सूरज ने रावी की तरफ देखा। पिछले कुछ महीनों से रावी खुद को बिजनेस में इस तरह डूब चुकी थी कि उसने बाहर की दुनिया से अपने सारे संपर्क तोड़ लिए थे। वो सूरज की कंपनी में जाकर काम करती थी, आउटडोर मीटिंग्स करती थी और घर पर आकर भी काम ही करती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। सूरज ने अपना फ़ोन रावी को दिया और कहा, तुम खुद देख लो। रावी ने कन्फ्यूजन के साथ सूरज का फ़ोन लिया और उसमें दिख रही न्यूज़ को देखने लगी। जब रावी ने पूरी न्यूज़ देखी तो वो फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। रावी ने खुद को संभाला और सॉरी कहकर फ़ोन वापस उठा लिया। फिर रावी ने सूरज की तरफ देखकर कहा, क्या केतकी अग्रवाल सच में गिरफ्तार हो चुकी है और उन्हें उनकी पोस्ट से भी हटा दिया गया है? और पीयूष जो कि अनाया का बॉयफ्रेंड था, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बन गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हुआ? रावी को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सपना हो। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए रावी का दिमाग फटने वाला था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब सूरज ने देखा कि रावी कितनी ज़्यादा परेशान थी तो उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम भूल गई थी कि तुम्हारी एक बहन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे साथ इतना सब होने के बाद वो शांत बैठेगी? और अगर वो कुछ समय शांत थी भी तो शायद तूफान के पहले की शांति थी। ये सब वीरा ने किया है। ये सुनकर रावी के चेहरे पर ज्यादा हैरानी के भाव नहीं आए। वो जानती थी उसकी बहन बहुत खतरनाक है, पर रावी ने नहीं सोचा था कि वीरा उत्तराखंड की खतरनाक काम कर सकती है। रावी ने कहा, तो इसका मतलब अब मैं और अरण्य अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं? ये कहते हुए रावी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वो हर रात इस बात को सोचकर डरती थी कि एक दिन कोई उसके बच्चे को छीन लेगा, जिस कारण उसे अच्छे से नींद नहीं आती थी, पर शायद अब वो सुकून से सो सकती थी। सूरज ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अब तुम दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा? रावी ने कहा, वैसे क्या तुम अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सूरज ने कार के ब्रेक्स लगाए और कहा, तुम खुद देख लो। रावी ने अपने सिर को कार के बाहर निकालते हुए देखा। वो लोग एक बहुत बड़े महल के सामने खड़े थे जिसे आज बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। कई सारे गेस्ट अंदर जा रहे थे और वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। रावी ने मुंह खोलकर उस महल की तरफ देखा और कहा, ये तो ग्रैंडपा का घर है। सूरज ने कहा, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा से ही मिलाने लाया हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे राम अंकल मुझसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मैं एक बार तुम्हें राजन शाही जी से मिलवाने ले जाऊँ, जिस कारण आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। वैसे तुम आज का दिन भूली तो नहीं होगी? रावी ने अपने सिर पर हाथ मारा। वो राजन शाही जी का बर्थडे भूल गई थी। रावी ने छोटा सा मुंह बनाकर सूरज की तरफ देखा और कहा, लेकिन मैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ। ये सुनकर सूरज ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम उन्हें ये दे देना। ये कहते हुए सूरज ने एक बॉक्स रावी को दे दिया। रावी ने उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स में एक बहुत सुंदर ब्रोच रखा हुआ था जो कि पूरा डायमंड से बना था। वो ब्रोच बहुत यूनिक था। रावी ने पहले कभी इस तरह का ब्रोच नहीं देखा था। रावी ने सूरज की तरफ चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहा,
तुम्हें कैसे पता कि ग्रैंडपा को ब्रोच पसंद है? सूरज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। बस ऐसे ही, ये कहते हुए सूरज कार से बाहर आ गया और उसके बाद रावी भी कार से बाहर आ गई। सूरज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, रावी ने अपना हाथ सूरज के हाथ में फंसा दिया, जिसके बाद वो दोनों पार्टी में एंटर हो गए। पार्टी हॉल काफी चहल पहल से भरा हुआ था क्योंकि राजन शाही के बर्थडे की पार्टी थी। राजन शाही की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी पर उनके बिजनेस रिलेटेड पार्टनर्स हमेशा उनसे मिलने आते रहते थे क्योंकि शाही कॉरपोरेशन आज उस मुकाम पर था जहां वो शायद कभी पहुंच नहीं सकता था, और लेकिन वीरा और रावी की वजह से आज वो यहां तक पहुंचा था। हालांकि ये सच ज्यादा लोग नहीं जानते थे पर अभी भी राजन शाही का नाम इस समय काफी ऊंचाइयों पर था। सब लोगों को यही लगता था कि राजन शाही ने अपने परिवार को खोने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा था और आज इस मुकाम पर खड़े हैं, और उन्होंने अपने परिवार को वापस भी पाया है, इसीलिए सब उनकी बहुत इज्जत करते थे और सब उनसे मिलने भी आते थे। राजन शाही के जो रिश्तेदार उनके परिवार की मौत के बाद से उनसे दूर रहने लगे थे, वो भी अब राजन शाही के करीब आने की कोशिश करते रहते थे। उस समय जब राजन शाही का परिवार उस एक्सीडेंट में खत्म हो गया था, तब राजन शाही बर्बाद होने लगे थे और उनके सारे रिश्तेदारों ने उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ लिया था, ये सोचकर कि शायद राजन शाही की बर्बादी में वो भी बर्बाद हो जाएंगे। पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजन शाही इस तरह उठकर खड़े होंगे, इसीलिए आज उन्हें इस बात का रिग्रेट होता है कि उस समय उन लोगों ने राजन शाही का साथ नहीं दिया। पर अब वो लोग राजन शाही का सपोर्ट पाने की पूरी कोशिश करते थे। रावी आसपास देख रही थी। उस जगह पर ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें वो जानती थी, जिनके साथ उसने बिजनेस किया था और जो राजन शाही से जुड़े हुए थे। वहाँ कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे जिनसे रावी तब मिली थी जब वो 7 साल की थी और वो राजन शाही के बिजनेस को संभालती थी। उन सभी लोगों को देखकर और उस महल को देखकर रावी को अपनी पुरानी यादें याद आ रही थी और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। रावी ने जोर से सूरज की बाजू पकड़ी हुई थी, वो अपने इमोशंस संभाल नहीं पा रही थी। रावी ने कहा, सूरज तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सूरज ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें राजन शाही से मिलवाने लाया हूँ, चलो हम उन्हें बर्थडे विश करके आते हैं। ये कहते हुए सूरज ने रावी को अपने साथ खींचा। वो जानता था कि रावी नर्वस फील कर रही है और थोड़ी इमोशनल भी हो गई है, लेकिन अगर रावी इसी तरह दुनिया से दूर रहेगी तो शायद वो अकेलापन का शिकार हो जाएगी, जो कि सूरज नहीं चाहता था। सूरज चाहता था कि रावी वापस अपनी दुनिया में लौट जाए जहाँ वो खुशमिजाज और खुले दिल की इंसान थी, ना कि एक ऐसी इंसान जो 4 दीवारों में ही अपनी दुनिया बसा लेती थी। जब वो दोनों राजन शाही के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि राजन शाही के आसपास कई सारे लोग थे और वो उनसे चापलूसी भरी बातें कर रहे थे। सूरज ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर शाही? ये सुनते ही राजन शाही ने भीड़ में से अपना सिर उठाकर आगे देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा, इसीलिए वो वापस उन लोगों पर ध्यान देने लगे जो जबरदस्ती उनके पास खड़े थे। तभी सूरज ने दोबारा कहा, मिस्टर शाही? इस बार राजन शाही ने सूरज की आवाज़ अच्छे से सुनी थी। उन्होंने सामने खड़े लोगों को दूर हटने को कहा, फिर उनके सामने खड़े लोगों के दूर हट जाने के बाद राजन शाही की नज़र रावी पर गई और उनकी आंखें नम हो गईं। राजन शाही ने बिना सोचे समझे रावी को गले लगाया और कहा, रावी तुम इतने समय से कहाँ थी? क्या तुम्हें अपने बूढ़े दादा की बिल्कुल याद नहीं आ रही थी? क्या तुम मुझे भूल चुकी थी? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। राजन शाही इस समय एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे जो किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। रावी ने हंसते हुए कहा, ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी बिजी चल रही थी इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, पर देखिए मैं आपके बर्थडे के दिन आ गई ना। ये सुनकर राजन शाही ने कहा, ये मत समझना कि तुम्हारे मेरे बर्थडे में आ जाने से मेरा गुस्सा कम हो गया है, मैं अभी भी तुमसे और वीरा से बहुत गुस्सा हूँ। रावी ने हंसते हुए कहा, ठीक है आप बाद में मुझ पर गुस्सा कर लीजिएगा, पर अभी तो मुझे केक खाना है, आपने मेरे फेवरेट फ्लेवर का केक मंगवाया है ना। ये सुनकर राजन शाही जी हंसने लगे और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद केक कटिंग हुई और सब ने राजन शाही को गिफ्ट दिए। वहाँ मौजूद गेस्ट रावी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। रावी इस समय इतनी ज़्यादा एलिगेंट दिख रही थी कि हर कोई उसे एक रॉयल प्रिंसेस की तरह देख रहा था। उन लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शायद रावी राजन शाही के परिवार का ही कोई हिस्सा थी, क्योंकि उसका रुतबा उसे किसी मामूली इंसान की तरह नहीं दिखा रहा था। हालांकि कुछ लोग थे जो रावी को पहचान गए थे पर उन्होंने अपने मुंह बंद रखे हुए थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि रावी और वीरा को अपनी आइडेंटिटी रिवील करना बिल्कुल पसंद नहीं था। थोड़ी देर बाद उस पार्टी में डांस का माहौल बन गया और सभी लोग डांस करने लगे। क्या ये जानने के बाद कि सब ठीक हो चुका है रावी अपने घर लौट जाएगी? क्या सूरज और रावी का रिश्ता कोई नया मोड़ लेगा? क्या इस बर्थडे पार्टी में रावी को कोई मिलने वाला है? सूरज ने भी अपना हाथ रावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ब्यूटीफुल लेडी क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? रावी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ सूरज के हाथ में दिया और कहा, जरूर मैं आप जैसे हैंडसम मैन के साथ डांस जरूर करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर सूरज ने घूर कर रावी को देखा और कहा, और वो शर्त क्या है? रावी ने कहा, यही कि तुम्हें मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाना होगा। सूरज ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जानती हो ना तुम्हें ठंडी चीजें खाना मना है। रावी ने मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ एक ना प्लीज। सूरज ने हार मानते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखने के बाद रावी सूरज को खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई और वो दोनों डांस करने लगे। पर रावी नहीं जानती थी कि वो दो जलती हुई आंखें उन्हें लगातार घूर रही थी। सूरज और रावी एक दूसरे के साथ हंसते हुए डांस कर रहे थे
वो दोनों एक कपल की तरह दिख रहे थे और उनकी आंखों की शाइन बता रही थी कि वो एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन कोई था जिसकी आंखों में ये देखकर गुस्सा भर चुका था। विहान जो साइड में खड़ा हुआ था उसका हाथ शराब के ग्लास पर कस चुका था। विहान ने उस ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा था कि वो ग्लास लगभग टूटने वाला था। तपस्या जो विहान के साथ ही खड़ी थी उसने विहान के इस रिएक्शन को देखा और विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विहान तुम्हें क्या हुआ है? विहान ने घूर कर तपस्या को देखा। विहान की नजरें इतनी खतरनाक थी कि एक पल के लिए तपस्या भी डर गई। उसने दो कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विहान को जब रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था तो उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं तपस्या, चलो हम भी डांस करते हैं। ये सुनकर तपस्या के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो विहान के साथ डांस करने चली गई। डांस फ्लोर पर कई सारे कपल थे, पर ज्यादातर कपल की नजर रावी और सूरज पर ही थी, क्योंकि कोई भी कपल उन दोनों से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था। सब लोग उनके बारे में बातें भी कर रहे थे, क्योंकि सूरज शेखावत को हर कोई जानता था और ये देखकर कि सूरज इतनी सुंदर लड़की के साथ पार्टी में आया है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जहां तक लोगों को पता था, सूरज को लड़कियां पसंद नहीं थी और वो अभी तक सिंगल था, इसीलिए सबको लग रहा था कि रावी उसकी गर्लफ्रेंड थी। रावी अभी भी सूरज से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी, जिसे सुनकर रावी का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। रावी ने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया और देखा कि एक आदमी जिसने 3-पीस ब्लैक सूट पहना था एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। उस लड़की ने ब्लैक कलर मर्मेड स्टाइल गाउन पहना था। वो लड़की ज्यादा गोरी नहीं थी पर उसके बाल काफी लंबे थे और मेकअप के कारण उसका चेहरा भी सुंदर दिख रहा था। हालांकि उसे देखकर पता चल रहा था कि वो एक घमंडी इंसान है, पर फिर भी रावी की नजर उस लड़की पर नहीं थी। रावी की नजर उस इंसान पर थी जिसके साथ वो लड़की डांस कर रही थी। रावी को विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी छोटी थी। रावी ने सोचा था कि शायद विहान उसके घर लौट चुका होगा, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि विहान उसे इस पार्टी में मिलेगा। रावी की पकड़ सूरज के हाथ पर कस गई थी। सूरज ने भी विहान को नोटिस कर लिया था, इसीलिए उसने रावी को अपने और करीब खींचा और धीरे से झुककर उसके कान में कहा, शांत हो जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। सूरज की जेंटल और सॉफ्ट वॉइस सुनकर रावी का दिल अचानक से शांत हो गया। रावी ने अपना सिर सूरज के कंधे पर रखा और कहा, सूरज तुम मुझे बचा लोगे ना? सूरज ने अपनी पकड़ रावी पर मजबूत की, जैसे वो रावी को विहान से बचाना चाहता हो। सूरज और रावी को इतना करीब देखकर विहान का दिल बुरी तरह जल गया, जिस कारण विहान ने तपस्या की कमर को थोड़ा जोर से दबा दिया, जिससे तपस्या की चीख निकल गई। तपस्या ने चिढ़ते हुए कहा, विहान तुम क्या कर रहे हो? विहान ने उस लड़की की तरफ देखा जो उसका टारगेट थी और अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हुआ? आई एम सॉरी। तपस्या ने घूर कर विहान को देखा और कहा, विहान अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अभी तक मैं उसकी जान ले चुकी होती। विहान ने तपस्या को अपनी तरफ खींचा और कहा, पर तुम मेरी जान नहीं ले सकती क्योंकि मैं तो खुद तुम्हारी जान हूँ। ये सुनकर तपस्या थोड़ा शर्मा गई और उसने अपना सिर विहान के कंधे पर रख दिया। रावी की नजर भी विहान पर ही थी। भले ही रावी नजरें तिरछी करके विहान को देख रही थी, पर उसकी नजर एक मिनट के लिए भी विहान से दूर नहीं हुई थी और विहान के इस एक्शन को देखकर रावी थोड़ी उदास हो गई थी। लेकिन अब रावी को इतना बुरा नहीं लग रहा था। रावी ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था और विहान को अपने दिल में एक बुरा इंसान मान लिया था। थोड़ी देर बाद पार्टनर्स चेंज हुए, पर अब रावी विहान के साथ थी और तपस्या सूरज के साथ। जैसे ही रावी और विहान एक साथ आए, अचानक से उन दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई और उनकी आंखों में अजीब से इमोशन दिखने लगे। रावी अपनी गहरी नीली आंखों से विहान को देख रही थी। विहान को ऐसा लग रहा था जैसे रावी की आंखें उससे कई सारे सवाल कर रही हो। विहान ने जल्दी से अपनी नजरें फेरी और रावी के साथ डांस करने लगा। वो रावी की उन सवालिया नजरों को खुद पर महसूस नहीं करना चाहता था। विहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुनहगार है और रावी उसे उसके गुनाह गिना रही हो। थोड़ी देर बाद विहान ने धीरे से कहा, तुम कैसी हो? रावी जो जल्दी से इस डांस के खत्म होने का वेट कर रही थी, उसने विहान की वो हल्की सी आवाज सुनी जिससे उसका शरीर कांपने लगा। वो कैसी थी? वो इन 3 महीनों से डर के साए में रह रही थी। उसने अपने बच्चे को एक गुफा में जन्म दिया था। वो विहान की माँ की कैद में कई महीनों तक रही थी। उसे कैसा होना चाहिए था? रावी को विहान का सवाल एक मजाक लग रहा था। रावी ने उसी मजाकिया मुस्कान के साथ विहान को देखते हुए कहा, तुम देख सकते हो मैं कैसी हूँ। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? देखो मैं आज कितना सुंदर तरीके से तैयार हुई हूँ। मैं सूरज के साथ हूँ, हम लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और शायद तुम भी बहुत खुश हो। पर विहान, तुमने तो किसी और लड़की से शादी की थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, सुरभि। तो फिर अब तुम किसी और लड़की के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें लड़कियां बदलना पसंद है या फिर तुम्हें लड़कियों की बॉडी बदलना पसंद है? शायद मेरी दूसरी बात सच है, तुम्हें लड़कियों के शरीर से खेलना पसंद है। विहान को रावी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रावी वो पहली और आखिरी लड़की थी जिसे विहान ने छुआ था और जो विहान के दिल में रहती थी, लेकिन विहान ये बात रावी को नहीं समझा सकता था। विहान ने रावी के पेट की तरफ देखा। रावी का पेट पहले की तरह सपाट और पतला था और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट हुई थी। विहान का हाथ जो रावी की कमर पर था, विहान ने उसे रावी के पेट पर रखा। ये महसूस करते ही रावी सहम गई और उसने विहान से दूर होने की कोशिश की। विहान ने रावी के पेट को धीरे से सहलाया और धीमी आवाज में कहा,
मेरा बच्चा कैसा है? ये सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गई। रावी ने हैरानी से विहान की तरफ देखा। उसे नहीं लगा था कि विहान इस तरह का कोई सवाल पूछेगा, और ना ही रावी को समझ आ रहा था कि वो विहान की इस बात का क्या जवाब दे। रावी को इस तरह डरा और हैरान देखकर विहान ने गिल्टी फील करते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मेरा यकीन मानो, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता था। रावी से भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने कहा, अच्छा तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी माँ ने मुझे कैद किया हुआ है? पर तुम ये तो जानते थे ना कि तुम्हें मुझे धोखा देना था, तुम्हें मेरा दिल तोड़ना था और तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना था। विहान, तुमने सब प्लान किया था और तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, निर्दयी और कठोर। रावी की आखिरी बात सुनते ही विहान ने रावी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। वो आज रावी से सारी बातें क्लियर करना चाहता था। रावी विहान की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पूरे हॉल की लाइट डिम थी और वहाँ काफी तेज म्यूजिक बज रहा था। इधर दूसरी तरफ सूरज भी बहुत ज्यादा हैरान था। उसकी नजर तपस्या से हट ही नहीं रही थी। तपस्या भी सूरज को देखकर उतनी ही हैरान थी। तपस्या ने कहा, सूरज तुम कैसे हो? तपस्या की आवाज में सरप्राइज और खुशी साफ सुनी जा सकती थी। सूरज तपस्या की आवाज से होश में आया। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? सूरज की आवाज सख्त और इमोशनलेस थी, जिसे सुनकर नहीं लग रहा था कि वो तपस्या से मिलकर खुश था। तपस्या ने जब सूरज की वो सख्त आवाज सुनी तो उसका मुंह बन गया। तपस्या ने कहा, कम ऑन सूरज, उस बात को कितने साल हो चुके हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये सुनकर सूरज ने तपस्या के साथ डांस करते हुए कहा, नहीं मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। तपस्या ने अपने दोनों हाथ सूरज के गले में लपेटे और कहा, अच्छा वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम एक बहुत सुंदर लड़की के साथ यहाँ आए हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? सूरज ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तपस्या ने सूरज को अपनी तरफ खींचा और कहा, मुझे इससे कैसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे ये जानने का हक है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मंगेतर रह चुकी हूँ। ये सुनकर सूरज ने अपने एक हाथ की मुट्ठी बना ली और कहा, वो सब सिर्फ एक डील थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी कंपनी को टारगेट किया हुआ था, जिस कारण मुझे तुम्हारे साथ सगाई करनी पड़ी थी, पर वो तुम थी जो सगाई से भाग गई थी और जिसने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया था। तपस्या ने सूरज के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझे लगा था तुम अब तक सब भूल चुके होंगे, और वैसे भी वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपने पापा से कह दिया था कि वो तुम्हारी कंपनी को कुछ ना करें, और मेरे पापा मेरी बात मान भी गए थे, जिसके बाद उन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने तुम्हारे किसी तरह के काम में इंटरफेयर किया था, और अब देखो तुम कितने सक्सेसफुल हो चुके हो। ये कहते हुए तपस्या की नजर सूरज के चेहरे पर थी। उस समय सूरज इतना हैंडसम नहीं दिखता था, वो एक दुबला पतला लड़का था जो अपने पिता के नाम को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसीलिए तपस्या को सूरज ज्यादा पसंद नहीं था और वो गुस्से में अपने घर से भाग गई थी। हालांकि उसके पिता ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा था, पर तपस्या को सूरज के लिए बहुत बुरा लगा था और उसने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया था, ये कहकर कि अगर उसके पिता ने सूरज को कुछ भी किया तो वो अपनी जान ले लेगी, जिस कारण उसके पिता ने सूरज को परेशान करना बंद कर दिया था। तपस्या नहीं जानती थी कि उसने ये क्यों किया था, पर उसके दिल में उस मासूम से लड़के के लिए थोड़ी जगह बन गई थी जो मजबूरी में उससे सगाई करने को तैयार हो गया था, और तपस्या तभी से सूरज को कभी भूल नहीं पाई थी। सूरज ने टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे थाईलैंड के इतने बड़े गैंगस्टर की बेटी जयपुर में क्या कर रही है, वो भी एक मामूली सी पार्टी में? ये सुनकर तपस्या के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं बस थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, मैंने सोचा कि मैं किसी इंडियन लड़के को डेट करूं, इसीलिए मैं किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही हूं। ये सुनकर सूरज को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, उसके सामने खड़ी लड़की को लड़कों को डेट करना बहुत पसंद था, हालांकि उनसे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाती थी, पर वो उनकी फीलिंग के साथ खेलकर उन्हें छोड़ देती थी, इसीलिए सूरज को तपस्या ज्यादा पसंद थी। क्या रावी और विहान की ये मुलाकात इनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाएगी? क्या तपस्या का सूरज से मिलना सूरज के जज्बातों को बदल देगा? क्या ये कहानी कोई नया मूड लेने वाली है? सूरज तपस्या से बातें कर ही रहा था कि उसकी नजर आसपास गई। रावी कहीं नहीं थी। ये देखकर सूरज परेशान हो गया और डांस फ्लोर से नीचे उतरकर रावी को ढूंढने चला गया। तपस्या सूरज के इस तरह अचानक जाने से चिढ़ गई थी और वो भी उसके पीछे चली गई थी। तपस्या ने सूरज के पीछे चलते हुए कहा, सूरज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह डांस फ्लोर पर अकेला छोड़कर जाने की? पर सूरज ने तपस्या की बातों को इग्नोर किया और आगे जाने लगा। इधर महल के पीछे वाले गार्डन में रावी विहान को देख रही थी, जिसने अभी भी उसे पकड़ा हुआ था। रावी ने एक और बार कहा, देखो विहान मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रावी की यह बात सुनकर विहान ने रावी के बालों में लगे गुलाब के फूल को देखा और कहा, क्या तुम फिर से अपने बालों में लगे गुलाब से मुझ पर वार करोगी? ये सुनकर रावी एक पल के लिए चुप हो गई। रावी को इस तरह चुप देखकर विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं मानता हूं मैं उस समय गलत था और मैं कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिया और हमेशा तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन फिर भी रावी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस बात को मैं झुठला नहीं सकता हूँ। विहान के मुंह से ये शब्द सुनकर रावी का दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया था। रावी ने अपना एक कदम पीछे लिया और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं मुझे तुम्हारा कोई प्यार नहीं चाहिए। रावी को विहान का प्यार नहीं चाहिए था, वो ऐसे प्यार का क्या कर सकती थी जो उसे सिर्फ दर्द देने वाला था,
और उसके जख्मों पर नमक लगाने वाला था। विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो फिर मुझे वो लौटा दो। रावी ने कंफ्यूज्ड होकर विहान के हाथ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लौटा दूं? विहान ने एक लंबी सांस ली और अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ये सुनकर रावी के कदम लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गई। रावी अविश्वास से विहान की तरफ देख रही थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें अरने को नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरा बेटा है। विहान के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका एक बेटा था और उसका नाम अरने था। ये जानकर विहान के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर जैसे ही विहान की नज़र रावी के आंसू भरे चेहरे पर गई, उसके दिल की खुशी जैसे गायब हो गई। विहान जानता था ये गलत है, लेकिन ये उसके लिए ज़रूरी था। विहान ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, रावी, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हें मेरी हर चीज़ से नफरत है, तो तुम मेरा बेटा मुझे लौटा दो, क्योंकि वो भी मेरा ही अंश है और उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। रावी ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, तुम झूठ कह रहे हो। अरने मेरा बेटा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने कभी उसे नहीं देखा, तुम्हें कभी नहीं पता था तुम्हारा एक बेटा है, ना ही तुम कभी उसके पास थे। तुम तब उसके पास नहीं थे जब उसका जन्म हुआ था, तुम तब भी उसके पास नहीं थे जब वो रो रहा था, और तुम तब भी उसके पास नहीं थे जब वो बीमार हुआ था। तुम किस हक से कह सकते हो कि अरने तुम्हारा बेटा है? विहान, अरने का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। ये कहते हुए रावी उठकर खड़ी होने लगी, पर विहान ने रावी का हाथ पकड़कर खींचा और उसे एक दीवार के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। विहान ने अपने दोनों हाथों से रावी के रास्ते को रोक लिया था और वो रावी की गहरी नीली आंखों में देख रहा था, जो इस समय झील के समान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसू थे। विहान ने कहा, अगर मेरा अरने से कोई रिश्ता नहीं है, तो इस बात को साबित करो कि अरने मेरा बेटा नहीं है, या तुमने मुझसे शादी करने के बाद किसी के साथ अफेयर रखा था। यह सुनकर रावी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। विहान ने एक हाथ से रावी का चेहरा पकड़ा और कहा, वो मेरा ही बेटा है, इसीलिए मुझे वो वापस चाहिए, भले ही इसके लिए मुझे कोर्ट केस क्यों ना करना पड़े। रावी ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि वो शादी नकली थी और वो पंडित भी नकली था, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम मैरिड हैं? और वैसे भी तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारा मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं है। ये सुनकर विहान ने हंसते हुए कहा, रावी, तुम कितनी ज्यादा मासूम हो, चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। इस बात को सुनते ही रावी के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो ना चाहते हुए भी विहान को देखने लगी। विहान ने कहा, हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था, पर वो झूठ ये था कि हमारी शादी नकली थी। असल में हमारी शादी पूरे रीति रिवाजों से हुई थी और हमारी शादी के सर्टिफिकेट भी बने हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें वो सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। और रही मेरी दूसरी शादी की बात, तो वो शादी नकली थी। मैंने वो शादी सिर्फ मेरी माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए की थी, इसीलिए तुम्हारी और मेरी शादी अभी भी कानूनी तौर पर जायज़ है, इसीलिए तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं रख सकती। रावी से अब और सहन नहीं हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रावी ने रोते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुमने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली और अब तुम मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहते हो। विहान, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरी जान ले लो, उसके बाद तुम मेरे बेटे को मुझसे ले लेना, क्योंकि मेरे जिंदा रहते तो मैं कभी अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। ये कहते हुए रावी की आंखें लाल हो रही थी। विहान नहीं जानता था कि रावी की आंखें आंसुओं के कारण लाल है या गुस्से के कारण, पर उन आंखों को देखते हुए विहान को बहुत बुरा लग रहा था। विहान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। विहान रावी और अरने दोनों को अपने पास चाहता था, लेकिन शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे ये करना ही था। विहान ने आगे बढ़कर धीरे से रावी के माथे पर किस किया और कहा, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया, लेकिन अब तुम्हें मुझे मेरा बेटा लौटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा खून है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मुझे कोर्ट में मिलने के लिए तैयार रहो। ये कहते हुए विहान ने रावी के गाल को थपथपाया और वहां से चला गया। रावी अपने सफ़ेद चेहरे के साथ विहान को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विहान ने ऐसे शब्द कहे थे, ना ही रावी को यह विश्वास हो रहा था कि उसके साथ आज क्या हुआ था। उसने अरने को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन केत की अग्रवाल जेल जा चुकी थी, लेकिन उसका प्यार, उसके बच्चे का पिता, अब एक नया दुश्मन बनकर उसके सामने खड़ा था। सूरज और तपस्या एक पिलर के पास खड़े थे। उन दोनों ने रावी और विहान की सारी बातें सुन ली थी। सूरज काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि वो रावी के पास जाए, लेकिन तपस्या ने उसके हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। तपस्या सब कुछ सुनना चाहती थी। तपस्या जानना चाहती थी कि क्या विहान उसे चीट कर रहा था। पर जब तपस्या ने विहान की सारी बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। हालांकि उसे इतना बुरा नहीं लग रहा था, पर तपस्या को यह सोचकर जरूर गुस्सा रहा था कि किसी ने उसे चीट करने की हिम्मत की थी। हमेशा वो होती थी जो लड़कों को चीट करती थी, पर यह पहली बार था जब उसे किसी के द्वारा चीट किया गया था। तपस्या ने दांत पीसते हुए कहा, विहान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिल के साथ खेलने की? तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे बच्चे की माँ है, और तुमने किसी दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर ली, और फिर भी तुम मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हो? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तपस्या कौन है। ये कहते हुए तपस्या ने अपने हैंड पर्स से एक गन निकाली। वो विहान को गोली मारना चाहती थी। जब सूरज ने देखा कि तपस्या के इरादे क्या थे, तो उसने जल्दी से तपस्या को पकड़ लिया और कहा, क्या तुम जानती हो वो आदमी कौन है जिसे तुम डेट कर रही थी?
तपस्या ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा। मैं नहीं जानती वो कौन है, मुझे वो एक्सीडेंटली मिला था और मुझे पसंद आ गया था, इसीलिए मैं उसे डेट कर रही थी। पर मैंने नहीं सोचा था वो इतना बड़ा धोखेबाज होगा। सूरज मुझे छोड़ो, मैं अभी उसे जान से मार दूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। सूरज ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा ही था कि तपस्या विहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सूरज ने कहा, तपस्या विहान एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो भी कोई ऐसा वैसा ऑफिसर नहीं, वो एक स्पेशल ऑफिसर और स्पाई भी है। जैसे ही सूरज ने अपनी बात खत्म की, तपस्या अपनी जगह रुक गई और हैरान होकर सूरज को देखने लगी। तपस्या ने कहा, क्या सच में विहान एक मिलिट्री ऑफिसर है? लेकिन उसने तो कभी मुझे ये नहीं बताया। सूरज ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है थाईलैंड के सबसे बड़े माफिया की बेटी से विहान ये कहेगा कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी? क्या तुम्हें विहान इतना बेवकूफ लगता है? वैसे तुम्हें नहीं लगता विहान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में किसी मकसद से आया था? इस बात को सुनते ही तपस्या के दिमाग की बत्ती चल गई। उसने कहा, इसका मतलब विहान मेरा यूज कर रहा था। तपस्या ने अपने सिर पर हाथ मारा। उसने अपने फादर के कई सारे डार्क सीक्रेट्स विहान को बता दिए थे और ऐसे कई सारे राज भी बताए थे जो सिर्फ उनके घर वालों को पता थे। सूरज ने जब तपस्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो समझ गया कि तपस्या ने वो गलती कर दी है जिसके लिए विहान उसके साथ था। सूरज ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो। ये सुनकर तपस्या ने घूर कर सूरज को देखा और कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही तपस्या ने अपनी बात खत्म की, उसका फोन बजने लगा। तपस्या ने देखा ये फोन उसके घर से आ रहा था। कॉलर आईडी पर अपने फादर का नाम देखते ही तपस्या का हाथ कांपने लगा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उस कॉल को रिसीव करे। सूरज ने तपस्या के हाथ से फोन लिया और कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से तपस्या के पिता के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने कहा, तपस्या क्या तुमने ये सब किया है? जैसे ही तपस्या ने अपने पिता की गुस्से भरी आवाज सुनी, वो समझ गई कि कुछ बुरा हो चुका है। तपस्या ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, पापा मुझे नहीं पता था कि वो आदमी एक मिलिट्री ऑफिसर है, मैं तो उसके साथ ऐसे ही डेटिंग कर रही थी। तपस्या के पिता ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही थी, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता है हमारी गैंग के सारे मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं और पुलिस ने मुझे भी इंक्वायरी के लिए बुलाया है, इसीलिए मैं दूसरे देश जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इंडिया में ही रहो और खबरदार जो वहां किसी से मिलने की कोशिश की या फिर अपने इस फोन को ऑन करने की कोशिश की, कुछ समय के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई पिता है या थाईलैंड में तुम्हारी कोई फैमिली है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम्हें इंडिया में ही रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करे। तपस्या ने कहा, लेकिन पापा मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी? ये सुनकर तपस्या के पापा का दिल थोड़ा पिघल गया, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तपस्या क्या तुम नहीं जानती हो तुमने कितने सारे क्राइम किए हैं? जरूर उन्हें तुम्हारे किए हुए क्राइम के सबूत मिल जाएंगे जिसके बाद वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तपस्या ने कहा, पापा मैंने सिर्फ 3 मर्डर किए हैं, क्या इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा? ये सुनकर सूरज ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसके सामने खड़ी लड़की ने 3 मर्डर किए थे, फिर भी उसे लग रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे तपस्या पर दया आ रही थी या गुस्सा। सूरज ने बिना सोचे समझे कहा, तपस्या क्या तुम जानती हो 3 मर्डर करना क्या होता है? और वैसे भी तुमने किसी मामूली इंसान को तो नहीं मारा होगा। तपस्या ने सूरज की बात का जवाब नहीं दिया। उसने बहुत अमीर परिवारों के लड़कों को मारा था, जिसमें से एक तो किसी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा भी था। तपस्या ने उन लोगों को इसीलिए मारा क्योंकि वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और उस टाइम तपस्या अपने बॉडीगार्ड को साथ नहीं ले गई थी, जिस कारण उसे सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोगों की जान लेनी पड़ी थी। हालांकि तपस्या खुद उन लड़कों से फ्लर्ट कर रही थी, पर फिर भी उन लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जो कि तपस्या सहन नहीं कर सकती थी। क्या विहान सच में रावी से अड़ने के लिए लड़ाई करेगा, या फिर ये सब विहान का कोई प्लान है? क्या तपस्या का सूरज की जिंदगी में आना सूरज के लिए खुशियां लाएगा या मुसीबतें? सूरज की आवाज सुनते ही फोन की दूसरी तरफ से तपस्या के पिता ने कहा, क्या तुम सूरज हो? जब सूरज को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसने फोन कट नहीं किया था, तो उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होने लगा। सूरज ने खुद को संभालते हुए कहा, हेलो अंकल, मैं सूरज बोल रहा हूँ। सूरज की आवाज सुनते ही तपस्या के पिता ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जरूर तुमने सारी बात सुन ली होगी। सूरज क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? इस बात को सुनते ही सूरज के कान खड़े हो गए। वो मना करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो मना करता, तपस्या के पिता ने आगे कहा, प्लीज मना मत करना। मैंने तुम्हें अपने बेटी के कहने पर टारगेट करना बंद कर दिया था, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सूरज ने अपना मुंह बंद कर लिया। तपस्या के पिता ने आगे कहा, थाईलैंड में सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, इसीलिए मैं तपस्या को यहाँ नहीं बुला सकता। प्लीज तपस्या को कुछ समय तक अपने साथ रख लो, हो सके तो उसे अपने घर में ही रखो। और तुम तपस्या को जैसे चाहे वैसे रख सकते हो, उसे घर में कैद भी रख सकते हो और उसे कहीं बांध भी सकते हो। बस मैं चाहता हूँ कि तपस्या फिर से कोई गलती ना करे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली इस समय पुलिस के टारगेट पर है। सूरज मैं तपस्या की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, इसीलिए तुम उसके साथ जैसा बिहेव करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तपस्या तुम सुन रही हो ना, मैंने सूरज को तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, इसीलिए तुम्हें सूरज की सारी बातें माननी होगी। अपने पिता की बात सुनकर तपस्या का मुंह खुला का खुला रह गया था। तपस्या ने कहा, मैं सूरज की बातें क्यों मानूंगी? क्या मैं इसकी पेट हूँ? बिल्कुल नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। ये सुनकर तपस्या के पिता ने ताना मारते हुए कहा,
अच्छा तो ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है जिस कारण हमारी पूरी फैमिली को कहीं छुपना पड़ रहा है? ये सुनकर तपस्या के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और उसे अपने पिता की बात माननी पड़ी थी। सूरज तपस्या के पिता की बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो रहा था और एक खतरनाक स्माइल के साथ तपस्या को देख रहा था। सूरज ने कहा, ठीक है अंकल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आप चिंता मत कीजिए, तपस्या को कुछ नहीं होगा, मैं आपकी बेटी को पूरा ख्याल रखूंगा। यह सुनकर तपस्या के पिता ने सूरज को शुक्रिया कहा और कॉल कट कर दिया। उन्हें अपने प्राइवेट प्लेन से किसी दूसरे आइलैंड पर छुपने जाना था। तपस्या सूरज से कुछ कहने ही वाली थी कि सूरज ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे रावी के पास जाना है। ये कहते हुए सूरज ने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए क्योंकि रावी अभी भी वहां दीवार से टिककर जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी हालत ठीक नहीं दिख रही थी। सूरज रावी के पास गया और घुटनों के बल वहां बैठ गया। रावी ने जैसे ही सूरज को देखा वो जोर से सूरज के गले लग गई। रावी ने रोते हुए कहा, सूरज विहान यहाँ आया था और तुम जानते हो उसने कहा कि वो मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगा, वो मुझसे कस्टडी के लिए लड़ाई करना चाहता है, मैं अपना बेटा विहान को बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम मेरी मदद करोगे ना? सूरज ने रावी की पीठ सहलाते हुए कहा, रावी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें और अरने को कुछ भी नहीं होगा, हम हमारे अरने को किसी को छीनने नहीं देंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर रावी ने हां में गर्दन हिलाई। इस समय वो एक मासूम बच्चे की तरह दिख रही थी जिसे सब कुछ खो जाने का डर हो। ये देखकर सूरज ने रावी को गले लगा लिया। तपस्या अपने हाथ बांधकर उनके पीछे खड़ी थी, उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था, पर जब तपस्या ने देखा कि सूरज रावी के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है तो उसे रावी से थोड़ी जलन होने लगी थी। तपस्या ने चिढ़ते हुए कहा, सूरज वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तुम उसे इस तरह संभाल रहे हो, और अगर उसे अपने बच्चे को खोने का इतना ही डर है तो उसे अपने बच्चे को लेकर कहीं और चले जाना चाहिए जहां विहान उसे ना ढूंढ सके। ये कहकर तपस्या ने कुछ पल के लिए रुककर रावी को देखा और फिर आगे कहा, वैसे विहान बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा और फिर वो तुमसे तुम्हारे बच्चे को भी छीन लेगा। ये कहते हुए तपस्या एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ रावी को देखने लगी। तपस्या की बातों को सुनकर रावी और ज्यादा डर गई थी और उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे थे। सूरज ने घूर कर तपस्या को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा चुप हो जाओ, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए घर में बंद कर दूंगा। तपस्या चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी सूरज ऐसा कर सकता था और वो एक हफ्ते के लिए घर में बंद नहीं होना चाहती थी। थोड़ी देर बाद तपस्या, सूरज और रावी सूरज की कार से घर की तरफ चले गए। तपस्या ने विहान से बात करने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि अगर वो विहान से मिलेगी तो वो पक्का विहान को गोली मार देगी और इस समय वो रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए सूरज ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे अपनी कार में बैठा लिया। जब वो सभी लोग सूरज के घर पहुंचे तो तपस्या ने कार से बाहर आकर उस महल की तरफ देखा। वो महल बहुत ज्यादा खूबसूरत था जिसे देखकर तपस्या का मुंह खुला का खुला रह गया था। तपस्या ने कहा, ये घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है सूरज, तुम मुझे ये घर कितने पैसों में बेचोगे? ये सुनकर सूरज ने आगे जाते हुए कहा, मैं तुम्हें ये घर नहीं बेच सकता हूँ, वैसे क्या तुम्हारे पास घरों की कमी है? ये सुनकर तपस्या ने कहा, हाँ मैंने अभी इंडिया में 3 अलग अलग शहरों में घर लिए हैं लेकिन मेरे पास ऐसा महल नहीं है, मुझे ये जगह सच में बहुत पसंद आई। सूरज ने दोबारा नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने एक बार नहीं कह दिया ना? रावी अब तक खुद को संभाल चुकी थी और वो कंफ्यूज होकर उस लड़की की तरफ देख रही थी जिसे उसने विहान के साथ देखा था। रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की सूरज के साथ क्या कर रही है। घर के अंदर पहुंचने के बाद रावी को सबसे पहले अरने की आवाज सुनाई दी। अरने रो रहा था। जैसे कि रावी ने अरने के रोने की आवाज सुनी वो दौड़ते हुए लिविंग रूम में गई और उसने अरने को सिमरन की गोद से छीन लिया। रावी ने अरने को जोर से गले लगाते हुए कहा, नहीं बेबी रो मत, मम्मा आ गई है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं विहान को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ये कहते हुए रावी अरने के चेहरे को चूम रही थी। सिमरन रावी के रिएक्शन से डर गई थी। सिमरन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम ऐसा मत कीजिए, अरने को डर लग रहा है, देखिए वो और ज्यादा रोने लगा है। रावी ने सिमरन पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, मेरा बेटा बिल्कुल नहीं रो रहा है, वो मेरे पास आकर क्यों रोएगा? ये कहते हुए रावी अरने को चुप करा रही थी। सूरज से भी रावी की हालत नहीं देखी जा रही थी। सूरज ने आगे बढ़कर अरने को रावी की गोद से ले लिया और अपने हाथों को खाली महसूस करते ही रावी जमीन पर बैठ गई और अपने खाली हाथों की तरफ देखने लगी। वो बच्चा उसकी दुनिया था और उसके जीने का एकमात्र सहारा था जिसे खोने का डर दोबारा उसके दिल में आ गया था। रावी ने कहा, मेरा अरने। सूरज रावी के पास बैठा और उसने रावी के चेहरे से आंसू की बूंदों को साफ करते हुए कहा, रावी मैंने कहा ना अरने को तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? ये सुनकर रावी ने हाँ में सिर हिलाया। सूरज ने कहा, चलो फिर आराम करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये सुनकर रावी ने कुछ नहीं कहा। सूरज ने रावी को अपनी गोद में उठाया और रावी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तपस्या उन दोनों को देख रही थी, उसे उनका रिश्ता बहुत कन्फ्यूजन भरा लग रहा था। तपस्या ने खुद से कहा, मुझे लगा था ये लड़की सूरज की गर्लफ्रेंड है, पर इस लड़की को देखकर तो नहीं लगता है कि ये सूरज को अपना बॉयफ्रेंड समझ रही है, ऊपर से इसका किसी और आदमी के साथ एक बच्चा भी है, फिर भी सूरज इसके लिए इतना प्रोटेक्टिव है, आखिर ऐसा क्या खास है इस लड़की में? ये कहते हुए तपस्या की नज़र सिमरन पर गई जो अरने को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तपस्या ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बच्चा मुझे दो।
सिमरन ने उस अनजान लड़की की तरफ देखा जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा सुंदर थी पर उसकी आंखें बहुत डरावनी थी और अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, आप कौन हैं? तपस्या ने बिना सोचे समझे कहा, तुम्हारे सर की मंगेतर। यह सुनकर सिमरन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सूरज की एक मंगेतर थी। तपस्या ने देखा कि वो लड़की उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी तो उसने अपना एक हाथ आगे किया और कहा, देखो मेरे हाथ में सगाई की अंगूठी भी है। सिमरन ने देखा कि तपस्या के हाथ में एक बहुत सुंदर डायमंड की रिंग थी और उस अंगूठी को देखकर पता चल रहा था कि वो थोड़ी पुरानी थी। ये वही अंगूठी थी जो सूरज सगाई के दिन तपस्या को पहनाने वाला था, पर तपस्या उस सगाई से वहां से भाग गई थी। पर वापस लौटने के बाद तपस्या ने उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया था और ये कहा था, उसे वो अंगूठी बहुत पसंद है। लेकिन सिर्फ तपस्या ही जानती थी कि उसने वो अंगूठी क्यों पहनी थी। भले ही तपस्या ने सूरज को रिजेक्ट कर दिया था पर उसका दिल इस बात को नहीं मानता था जिस कारण उसने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी थी और बीते कुछ सालों में कभी उसे अपनी उंगली से नहीं निकाला था। सिमरन उस अंगूठी को देखते हुए खुद को उदास महसूस कर रही थी। उसे सच में सूरज पसंद था पर तपस्या को देखते हुए सिमरन ये भी जानती थी कि वो तपस्या की बराबरी नहीं कर सकती है, ना ही वो रावी की बराबरी कर सकती थी। इसीलिए सिमरन ने अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि उसे सूरज जैसा इंसान नहीं मिल सकता था। जब तपस्या ने देखा कि सिमरन अभी भी उसे अड़ने को नहीं दे रही थी तो उसने घूर कर सिमरन को देखा और कहा, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मालिक से कर दूं? सिमरन ने हिचकिचाते हुए अरण्य को तपस्या की गोद में दे दिया। अरण्य अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके तपस्या को देख रहा था। अरण्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तपस्या के बालों को पकड़ने की कोशिश की। तपस्या ने तुरंत अपने बाल पीछे कर लिए और अरण्य के गाल पर एक उंगली रखते हुए कहा, नहीं बेटा, आंटी के बाल मत खींचो। आंटी को उनके बाल बहुत पसंद है, अगर कोई उन्हें टच करता है तो आंटी उस इंसान के हाथ काट देती है। ये सब कहते हुए तपस्या की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि सिमरन भी एक पल के लिए कांप उठी थी। पर अरण्य बिल्कुल नहीं घबराया और हंसते हुए तपस्या को देखने लगा। वो सीधा तपस्या की आंखों में देख रहा था जैसे उसे तपस्या बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो और उसे तपस्या से बिल्कुल डर नहीं लग रहा हो। तपस्या को अरण्य बहुत पसंद आया था। बहुत सारे बच्चे उसे देखकर डर जाते थे क्योंकि तपस्या का ऑरा ही ऐसा था, लेकिन अरण्य वो पहला बच्चा था जो उसे देखकर डरा नहीं था। इधर शाही महल में राजन शाही जी थोड़े परेशान दिख रहे थे। उन्होंने अपने गार्ड की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें रावी कहीं भी नहीं दिखी? और रावी जिस इंसान के साथ आई थी वो कहाँ गया? राम, मुझे बताओ रावी के साथ आया इंसान कौन था? राजन शाही सूरज से पहले नहीं मिले थे। वह बूढ़े हो चुके थे और उनका बिजनेस राम और उसके बेटे चलाते थे, इसीलिए वो सूरज को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। राम ने उन्हें सारी बात एक्सप्लेन की। राजन शाही ने हैरान होकर कहा, क्या कहा तुमने? रावी का एक बेटा है और वो सूरज शेखावत के साथ रिलेशनशिप में है? ये जानकर राजन शाही बहुत हैरान थे। जहां तक राजन शाही रावी को जानते थे, रावी एक ऐसी लड़की नहीं थी जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाए। राम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सूरज रावी को बहुत अच्छे से रखता है। ये सुनकर राजन शाही के दिल को तसल्ली मिल गई थी। उन्होंने कहा, क्या रावी के परिवार को ये सब पता है? राम ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, रावी ने किसी को कुछ नहीं बताया है और वो काफी समय से अपने घर भी नहीं गई है। क्या तपस्या इस कहानी में कोई नया मोड़ लाने वाली है? क्या विहान सच में अरण्य को रावी से छीन लेगा? और क्या रावी इतनी आसानी से हार मान जाएगी? कुछ दिनों बाद वीरा, ऋषि और वायु वापस देहरादून लौट चुके थे और अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। वीरा को रावी की बहुत चिंता थी और वो हमेशा रावी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगी रहती थी। वायु ने अपने कुछ लोगों को रावी के पीछे भेज दिया था और वो उनसे पता करते रहता था कि रावी क्या कर रही है। वायु के लोगों ने उसे रावी की कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसे देखकर वायु काफी दुखी हुआ था। उसमें रावी अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी और उसके पास कोई नहीं था। वायु को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर अपनी बेटी को अपने पास ले आए, लेकिन वायु ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि रावी इसके लिए तैयार नहीं थी। वायु इस समय अपने घर में बैठा हुआ था और धैर्या को देख रहा था जो खामोश होकर अपने डिजाइन पर काम कर रही थी। रावी को उस घर से गए काफी समय हो गया था और अब लगभग एक साल बीतने वाला था और इस बीते समय में धैर्या ने खुद को संभाल लिया था। धैर्या ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद उसने अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया था जिस कारण वो कभी उसे माफ नहीं करने वाली थी। इसीलिए धैर्या ने सोचा था कि वो अपने काम पर फोकस करेगी ताकि उसे रावी की याद ना आए। वायु से धैर्या की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वायु अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने धैर्या के हाथ से पेंसिल को छीनते हुए कहा, मेरे साथ चलो। धैर्या ने कन्फ्यूज्ड होकर वायु की तरफ देखा और कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? वायु ने कहा, रावी से मिलने। ये सुनकर धैर्या के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और वो हैरान होकर वायु की तरफ देखने लगी। धैर्या ने कहा, वायु, क्या आप जानते हैं रावी कहाँ है? धैर्या जानती थी कि केतकी अग्रवाल ने रावी के साथ क्या किया था और वीरा ने केतकी अग्रवाल के साथ किया था, पर उसे नहीं लगा था कि वायु को रावी मिल गई होगी। वायु ने धैर्या को अपने साथ घर के बाहर खींचते हुए कहा, हाँ, और मैं आज तुम्हें रावी से मिलाने ले जा रहा हूँ। ये सुनकर धैर्या ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। धैर्या ने कहा, नहीं वायु, हम रावी के सामने नहीं जा सकते, आप जानते हैं ना रावी हमें पसंद नहीं करती है। वायु ने धैर्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, क्या कभी कोई बेटी अपनी माँ को नापसंद कर सकती है? और वैसे भी रावी अब खुद एक माँ बन चुकी है और वो तुम्हारी फीलिंग्स को जरूर समझेगी। ये सुनकर धैर्या का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, क्या कहा आपने, रावी माँ बन चुकी है?
धैर्या जानती थी उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी, पर धैर्या नहीं जानती थी कि उसकी बेटी को बेबी भी हो चुका है और अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। वायु ने कहा, हाँ रावी का एक बेटा है जिसका नाम अर्ण है, चलो हम रावी को वापस लेकर आते हैं। धैर्या ने कहा, वायु क्या हम रावी को वापस ला पाएंगे? वायु ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहां से जाने लगे। वीरा जो कि घर के दरवाजे पर खड़ी थी उसने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी। वीरा ने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, आपको रावी जयपुर में नहीं मिलेगी? वायु और धैर्या ने एक साथ कहा, लेकिन क्यों? वीरा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि आज वो कोर्ट गई है। यह सुनकर धैर्या आगे बढ़ी और उसने कहा, रावी कोर्ट क्यों गई है? वीरा ने घर के अंदर आते हुए कहा, क्योंकि विहान ने रावी के खिलाफ केस किया है और वो अपने बच्चे को वापस चाहता है। वायु ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, विहान अग्रवाल बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर केस करने की? वीरा ने कहा, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो उस बच्चे का फादर है और उन दोनों की शादी लीगल है। वायु ने कहा, जब तुम इतना सब कुछ जानती हो तो तुमने रावी की मदद क्यों नहीं की? वीरा ने वहां खड़े नौकर के हाथ से पानी का ग्लास लिया और पानी पीते हुए कहा, वो हम में से किसी की मदद नहीं लेना चाहती, अगर उसे हमारी मदद चाहिए होती तो वो कॉल कर चुकी होती, पर रावी को लगता है कि वो हमसे दूर रहकर ही खुश है। असल में वीरा रावी की मदद करना चाहती थी, लेकिन जब वीरा की बात सूरज से हुई थी तब उसे पता चला था कि रावी कितनी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है और वो अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं देखना चाहती है, वरना वीरा कब से रावी के पास जाना चाहती थी। पर जैसा कि सूरज ने बताया था कि रावी को मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, उसने रावी से मिलने जाने का विचार छोड़ दिया था। वायु ने कहा, तुम अच्छे से जानती हो विहान की पोजीशन क्या है, उसके कनेक्शन पुलिस मिलिट्री और कोर्ट सब जगह है, मुझे नहीं लगता कि रावी जीत पाएगी। वीरा भी इस बात को अच्छे से जानती थी, पर वीरा ये भी जानती थी कि विहान एक लॉयल इंसान था और वो रावी से माफी मांगना चाहता है, इसीलिए वीरा ने उसे एक मौका देने के बारे में सोचा था। वीरा ने कहा, यह रावी की लड़ाई है और इसे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। थोड़ी देर बाद वीरा का फोन रिंग होने लगा। वीरा ने अपने फोन को देखा, उसे प्रवीण का कॉल आ रहा था। वीरा ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से प्रवीण ने कहा, मैम मैं इस समय नैनीताल में ही मौजूद हूँ और रावी मैम कोर्ट से बाहर आ रही है। जज ने फैसला किया है कि रावी मैम और विहान को 6 महीने तक साथ रहना होगा और अपने बेटे का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अर्ण बहुत छोटा है इसीलिए उसे रावी मैम की जरूरत है और विहान के पास सारे सबूत और गवाह हैं, इसीलिए वो अर्ण को नहीं छोड़ सकता है। विहान ने कोर्ट में यह भी साबित कर दिया है कि उसने सुरभि से नकली शादी सिर्फ केत के अग्रवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए की थी, और उसने ये भी प्रूफ कर दिया है कि उसकी और रावी मैम की शादी असली है, इसीलिए जज ने विहान के पक्ष में फैसला लिया है। अब रावी मैम को विहान के साथ रहना होगा। ये सुनकर वीरा ने गहरी सांस ली, उसे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। वीरा ने कहा, क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? ये सुनकर प्रवीण ने कहा, यस मैम मैंने वो काम कर दिया है और शायद आज से रावी मैम देहरादून में ही रहेगी। वीरा ने कुछ बातें करके कॉल कट कर दिया। वायु और धैर्य अभी भी वीरा के सामने ही खड़े थे। वीरा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, रावी केस हार गई। ये सुनकर धैर्य का दिल तो जैसे टूट ही गया। उसने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, क्या विहान ने रावी से उसके बेटे को छीन लिया है? वीरा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, जज ने फैसला किया है कि विहान और रावी को 6 महीने तक एक साथ रहना होगा और उसके बाद कोई फैसला होगा। रावी का बेटा छोटा है इसीलिए उसे रावी से दूर नहीं कर सकते, और विहान के पास सारे प्रूफ है और वो एक हाई ऑफिशियल मिलिट्री ऑफिसर है, इसीलिए कोर्ट उसके खिलाफ फैसला भी नहीं ले सकता था, इसीलिए उन लोगों ने यह फैसला लिया है। वायु ने कहा, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दोबारा उस धोखेबाज के चंगुल में फंसे। वीरा ने कहा, पापा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रावी के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। वायु ने कहा, क्या रावी यहाँ आ रही है? वीरा ने कहा, हाँ शायद कल रावी देहरादून लौट आएगी। ये कहते हुए वीरा के दिल को सुकून मिल रहा था। पिछले कई महीनों से उसने अपनी बहन को बहुत मिस किया था, पर शायद अब उसकी जिंदगी वापस पहले की तरह होने वाली थी। वीरा ने कहा, वैसे ऋषि कहाँ है? वायु ने कहा, उसकी फिल्म की शूटिंग है इसीलिए वो शहर के बाहर गया है। वीरा ने आंखें छोटी की और खुद से कहा, उसने मुझे नहीं बताया कि वो शूटिंग के लिए बाहर जा रहा है। ये कहते हुए वीरा के हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसे ऋषि पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आजकल ऋषि उसे कुछ भी नहीं बताता था और सारे काम खुद ही करता था। ऊपर से इस समय ऋषि एक ऐसी फिल्म कर रहा था जिसमें वो मेन लीड था और उसमें 3 सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। उस फिल्म में एक हीरो और 3 हीरोइन थी। 3 लड़कियों के साथ ऋषि अकेला उस फिल्म में काम कर रहा था। ये सोचकर वीरा का दिमाग खराब हो रहा था। वीरा उन सभी लड़कियों को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। नैनीताल एयरपोर्ट। रावी ने अपने बच्चे को गोद में संभाला हुआ था। रावी की आंखों में आंसू थे और वो बिना किसी भाव के आगे देखते हुए चल रही थी। सूरज और तपस्या रावी के पीछे ही थे और अभिषेक उन सबके साथ चल रहा था। अभिषेक को रावी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अभिषेक ने सूरज की तरफ देखकर कहा, क्या हम इस रावी के लिए कुछ नहीं कर सकते? सूरज ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम जानते हो ना विहान की पहुंच कहां तक है? अगर वो चाहता तो वो अभी के अभी अर्ण की कस्टडी अपने फेवर में ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसका कुछ और प्लान है, पर मुझे नहीं लगता कि रावी और विहान ज्यादा देर तक साथ रह पाएंगे। ये कहते हुए सूरज रावी की पीठ की तरफ देख रहा था। तपस्या ने सूरज को देखा और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम उस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। यह सुनकर सूरज ने तपस्या की तरफ देखा और कहा, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे तुम अपने घर कब लौट रही हो? ये कहते हुए
सूरज की आंखें छोटी हो गई। तपस्या कई दिनों से उसके घर में रह रही थी और तपस्या ने उसके घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा था। वो कहीं भी बैठ जाती थी और कोई भी सामान फेंक देती थी। उसकी पचकानी हरकतों से अब सूरज परेशान हो चुका था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने तपस्या के पिता से वादा किया था कि वो तपस्या का ख्याल रखेगा। जब रावी प्लेन में चढ़ने ही वाली थी तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। रावी ने पीछे मुड़कर देखा। मिलिट्री यूनिफॉर्म में विहान उनके पीछे ही खड़ा था। विहान ने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए और लंबे कदम लेते हुए रावी के सामने आ गया। विहान ने रावी की आंखों में देखते हुए कहा, ये मत सोचना कि तुम दोबारा कहीं भाग सकती हो, क्योंकि अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की तो कोर्ट खुद ही अरने की कस्टडी मुझे दे देगा और तुम कभी अरने को देख भी नहीं पाओगी। रावी ने सोचा विहान उसे धमकी दे रहा था ताकि वो दोबारा कहीं भागने की कोशिश ना कर सके। रावी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया है और शायद मैं इस जाल से बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन याद रखना विहान, मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसीलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, और रही बात मेरे बेटे की तो वो तो कभी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनकर विहान ने रावी को एक छोटी सी मुस्कान दी और रावी की गोद में बैठे अरने के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रावी, क्या तुम मुझे मेरे बेटे से दूर रख सकती हो? और अगर हाँ तो कोशिश कर लो, क्योंकि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही अपने बेटे को खुद से दूर होने दूंगा। ये कहते हुए विहान ने झुककर अरने के माथे पर किस किया। अरने आंखें बड़ी बड़ी करके विहान को देख रहा था और विहान को देखते हुए अरने के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ये देखकर विहान का दिल एक पल के लिए पिघल गया। ये उसका बेटा था, उसका और रावी का बेटा। ये सोचते हुए विहान का दिल गर्माहट से भरते जा रहा था। रावी ने विहान की बातों को इग्नोर किया और प्लेन में चढ़ गई, जिसके बाद सूरज भी प्लेन में चढ़ गया। लेकिन तपस्या अभी भी विहान को घूर रही थी। तपस्या ने विहान की आंखों में देखते हुए कहा, विहान अग्रवाल, याद रखना तुम्हारे कारण मेरी फैमिली बर्बाद हुई है और मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी फैमिली बनाने का, मैं कभी तुम्हारी फैमिली को पूरा नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए तपस्या भी उस प्लेन में चढ़ गई। विहान को तपस्या की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसका मिशन तपस्या के फादर को एक्सपोज करना था, जो उसने पूरा कर दिया था। हालांकि उसके लिए विहान को तपस्या के दल के साथ खेलना पड़ा था, पर यह उसके लिए फायदेमंद रहा था क्योंकि तपस्या एक कम दिमाग वाली लड़की थी जिसने जल्दी अपने सारे राज विहान को बता दिए थे। क्या रावी देहरादून लौट आएगी? क्या 6 महीने साथ रहने का फैसला विहान और रावी को करीब ले आएगा? क्या रावी के जाने से सूरज बुरी तरह टूट जाएगा?